जिले में एक वकील के पति की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, उसका शव लीची के पेड़ से लटका हुआ मिला। मामला सकरा थाना क्षेत्र के सिंहो चौक के समीप की है, जहां युवक का शव लटका मिला। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने मामले की सूचना सकरा थाने की पुलिस को दिया। सूचना पर पहुंची सकरा पुलिस ने घटनास्थल की जांच की, शव को पेड़ से नीचे उतारा। इसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। मृतक रंजीत कुमार थे। बताया जा रहा है कि उनका शव घर से महज 100 मीटर की दूरी पर लीची के पेड़ से लटका था। इधर घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक रंजीत कुमार मूल रूप से सकरा थाना क्षेत्र के सीहो का रहने वाले थे। वह ऑटो चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उनकी पत्नी प्रियंका कुमारी मुजफ्फरपुर कोर्ट में वकालत करती थी। इसी बीच रंजीत कुमार का शव लीची के पेड़ से लटका था। मौके से गुजर रहे लोगों को शव पर नजर पड़ी, जिसके बाद पूरे इलाके में आग की तरह खबर फैल गई। मौके पर जुटे लोगों ने हंगामा भी किया। मौके पर मौजूद पुलिस ने किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर आक्रोश को शांत कराया, जिसके बाद शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही मामले में सकरा थाना की पुलिस ने बताया कि स्थानीय लोगों के दौरान सूचना प्राप्त हुई थी कि सीओ चौक के पास स्थित एक लीची गाछी में युवक का संदिग्ध परिस्थिति में शव लटका हुआ है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गया। मामले की जांच की गई। साथ ही परिजनों को समझा बुझाकर शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। परिजन का बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर सीहो कुर्मी टोला के नजदीक में लीची गाछी है, उसमें जो है सो उसी जगह का रंजीत कुमार नामक व्यक्ति जो है उसका गर्दन जो है से लीची के गाछ में टंगा हुआ था। ग्रामीण के भीड़ जुटने पर उसको उतार के नीचे रख दिया गया और सूचना अपने पर पुलिस जो है से आई और घटनाक्रम को कितने बजे घटना है ये जानकारी हमको 6:30 बजे के लमसम हुआ। उसके बाद हम थाना के भी फोन किए हैं। हम जो इसको 9:30 बजे में निकलते हुए देखे हैं घर से, लेकिन उसके बाद गिरा नहीं, सुबह में देखे। कहाँ 9:30 में देखे जाते हुए बताता नहीं था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम कुछ देखे ही नहीं। अभी जो निकली लाश भी गया है ना, उसके बाद हम आए हैं तो वही लाश से देखे। किसी पर शक लग रहा है? झगड़ा कभी पूर्व में हुआ हो? झगड़ा हुआ था तो उसका ससुरे में होता था, लेकिन चचेरा ससुरे पर में। अच्छा, उसी से होता था, वही धमकी देता था। क्या कहता था? वही कहता था कि हम तुमको देख लेंगे। देख लेंगे। आज से 6 महीना पहले 112 पे पटना के थ्रू कॉल आया था कि किसी व्यक्ति का मर्डर हो गया है, सीओ वार्ड नंबर 3 नियर पटेल ढाबा। जैसे हम लोग खबर लगे, हम लोग दल बल के साथ 112 की टीम, दोनों 112 गाड़ियाँ जहांगीरपुर और सुजालपुर चौक, अपने दल बल के साथ 10 मिनट के अंदर हम लोग पहुँच गए। यहाँ आए तो घर वाले रोध हो रहे थे और उनका लाश उनके दरवाजे के सामने लटा हुआ था। फिर लीची बिहार में गए तो एक टोलिया से टोलिया लटक रहा था, पता किया तो परिजन बोले कि सर अभी हैंगिंग था, वो हालत में था, तो हम लोग खोल करके देखे कि जिंदा है तो उसको हम बचाने की कोशिश किया। इस न्यूज के प्रायोजक है मेम साहब लेडीज वेयर, एड्रेस सिटी सेंटर नियर ली शोरूम, सुभाष चौक, दरभंगा।